Hey everyone, welcome back to Bela's Kitchen Corner। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खुशबूदार बहुत ही मज़ेदार वाइट पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कि आप वेज बिरयानी भी कह सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही लाजवाब होता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और इस पुलाव को हम पनीर, सोया और काफ़ी सारी सब्जियों के साथ बनाकर तैयार करेंगे, तो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, उसे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएंगे। और अगर व्हाइट पुलाव या फिर वेज पुलाव की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये व्हाइट पुलाव, या फिर आप इसे वेज पुलाव या फिर वेज बिरयानी भी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी करीब एक कटोरी सोया चंक्स। इसको हम करीब 15 मिनट तक के लिए इस पानी में सोख होने देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले लूंगी करीब दो कटोरी बासमती राइस। मैं ये पुलाव 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप ये चावल लें। अच्छे से अब हम इस चावल को धो लेंगे, आपने 3-4 बार अच्छे से इसको धोना है ताकि इसमें कोई भी केमिकल कोई भी गंदगी लगी हो तो वो पानी के साथ निकल जाए। तो मुझे तो ये वेज पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी मुझे कुछ आसान सा बनाने का मन करे या फिर अचानक से घर में कोई आ जाए तो मैं ये वेज पुलाव ही बनाती हूँ, क्योंकि इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चावल को अच्छे से धो लिया है, अब मैं इसे पानी में सोख करके करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम पनीर, इसको मैंने चौकोर टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च छिड़क दूंगी ताकि ये खाने में फीके न लगे और इनमें अच्छा सा कलर भी आ जाए। अच्छे से पनीर के पीसेस को हम इनसे कोट कर लेंगे और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो मैंने पैन में यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और इन पनीर पीसेस को मैं इस गरम तेल में डाल दूंगी, और गैस की आंच को मीडियम पर रखते हुए हम इसे उलटते पुलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ये हल्के सुनहरे रंग के हो जाएं उतना ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए पनीर पीसेस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डालने की वजह से इनके ऊपर कितना प्यारा सा कलर आ गया है, और नमक डालने की वजह से इनमें अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा, ये फीके नहीं लगेंगे खाते वक्त। तो देखिए यहाँ पे सारे पनीर पीसेस को मैंने इस प्लेट में इकट्ठा कर लिया है, इनको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे। और यहाँ पे हमारे सोया चंक्स को भी सोख हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम अच्छे से इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे और इसको एक प्लेट में हम इकट्ठा करते जाएंगे, पानी नहीं रहना चाहिए इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये सोया चंक्स नॉनवेज का एक बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट है और प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। तो देखिए मैंने सारे सोया चंक्स को इस प्लेट में इकट्ठा कर लिया है, पानी को हम फेंक देंगे और अब एक पतीले में मैं यहाँ पे डाल दूंगी करीब 10 बड़े चम्मच तेल, और तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी एक छोटा चम्मच साबुत जीरा। अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो तेज पत्ता, दो छोटी डंडियां दालचीनी की, करीब 5 या 6 साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, 5 हरी इलायची और आखिरी में करीब 4 लौंग। अब धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इन खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जब तक इनमें से अच्छी सी खुशबू न आने लगे और इनका कलर भी हल्के से चेंज न हो जाए। इन खड़े मसालों की वजह से ये पुलाव बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होता है। तो देखिए ये जो मसाले हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अच्छे से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये सफेद पुलाव है तो इसमें हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। इसमें अब मैंने डाल दिया है करीब 3/4 कप हरा मटर और 1 गाजर, जिसको कि मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया था। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे खड़े मसालों के साथ। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच नमक, इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक डालने की वजह से ये सब्जियां जो है जल्दी पक जाएंगी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सोया चंक्स। सब्जियों में आप किसी भी सीजनल वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि गोभी, बीन्स। तो सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर करीब 2 मिनट तक पकने देंगे, बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम पर ही रखना है। और इस पुलाव को बनाने के लिए हम केवल एक मसाला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, वो है धनिया पाउडर। तो मैंने यहाँ पे करीब 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको भी हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी मसाला पाउडर हम इस पुलाव को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये व्हाइट पुलाव है, अगर हम ज्यादा मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इन सब्जियों को फ्राई करते हुए मुझे करीब 2 मिनट तक हो चुके हैं, और हमारे चावल को भी सोख होते हुए करीब आधा घंटा हो चुका है, तो मैं इसके पानी को फेंक दूंगी और अब इस भीगे हुए चावल को हम सब्जियों में ऐड कर देंगे। अच्छा, इस पुलाव को बनाने के लिए आपने बासमती चावल का ही इस्तेमाल करना है, तभी आपका पुलाव जो है एकदम खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अच्छे से इस चावल को भी अब हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे, एकदम हल्के हाथों से आपने ये काम करना है। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस,
और 2 बड़े चम्मच देसी घी। नींबू के रस की वजह से पुलाव जो है एकदम खिला खिला बनेगा और देसी घी जो है इसके टेस्ट को एकदम अलग लेवल पर ले जाएगा। अच्छे से इनको भी हम चावल और सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हम करीब 1 मिनट तक इस चावल को फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है आपने चावल को, वरना ये टूटने लगेंगे। एकदम हल्के हाथों से आपने इसको चलाना है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई पनीर, इसको भी एकदम हल्के हाथों से चावल के साथ मिक्स कर लेंगे। और आखिरी में हम इसमें डालेंगे पानी। तो चावल और पानी का रेशियो जो है सेम होना चाहिए, 1:1। जितना आपने चावल लिया है और जिस कटोरी से आपने चावल को नापा है उसी कटोरी से नापकर आपने पानी भी डालना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चावल लिया था, तो मैंने इसमें 2 कटोरी पानी को ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से ढक देंगे। सबसे पहले ढक्कन में जो आउटलेट होता है उसको मैं थोड़े से गूंधे हुए आटे से सील कर दूंगी, ताकि जो भाप है वो बाहर की तरफ ना निकले। अब हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। करीब 85-90% ये चावल पक जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है चावल को, वरना ये टूटने लगेंगे। और इस चावल को आपने पूरा भी नहीं पकने देना है। करीब 85-90% पक जाए बस उतना ही हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। एकदम हल्के हाथों से आपने इसको चलाना है, बहुत तेज़ नहीं चलाना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना है। तो इस चावल को पकते हुए करीब 7-8 मिनट तक हो चुके हैं। देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट सूख गया है और ये करीब 90% पक भी चुके हैं। इस स्टेज में हम इसको गैस से उतार देंगे और गैस में हम चढ़ा देंगे एक तवा, और इस तवे के ऊपर हम रख देंगे पतीला। गैस की आंच को एकदम लो पर कर देंगे, एकदम धीमा कर देंगे और अब इसी तरह से हम इसे करीब 6-7 मिनट तक पकने देंगे। और तवे पर रखने के बाद आपको इसको बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में एक बार आप इसे चेक कर लें। और ये देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पुलाव एकदम रेडी है। चावल एकदम खिले खिले बने हैं और काफ़ी अच्छे से पक भी गए हैं। तो मैं कर दूंगी अब गैस को ऑफ और ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और ये हमारा व्हाइट पुलाव या फिर वेज पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फटाफट इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो है ना इसे बनाना कितना आसान, और इस वक्त इस पुलाव की इतनी बढ़िया खुशबू मेरे किचन में आ रही है। इनफैक्ट ना केवल किचन में बल्कि मेरे पूरे घर में इस पुलाव की खुशबू फैल गई है। ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो एक बार मेरे बताए तरीके से इस पुलाव को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और आखिरी में मैं इसे थोड़े से फ्राई किए हुए काजू और चॉप किए हुए धनिया के पत्तों से गार्निश कर लूंगी। तो काजू की वजह से भी इसमें एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। आप चाहे तो फ्राई किए हुए काजू को पहले भी पुलाव में ऐड कर सकते हैं। जब आप पनीर को ऐड करते हैं ना, उस वक्त आप फ्राई किए हुए काजू को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आखिरी में डालना ही पसंद करती हूँ। तो देखिए ये हमारा वेज पुलाव सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करें, और इसके साथ आपको कुछ भी और सर्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं भी फटाफट इसे टेस्ट कर लेती हूँ। देखिए कितना खिला खिला ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। सारे खड़े मसालों की वजह से इस पुलाव में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और बहुत ही बढ़िया खुशबू है। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार मेरे बताए तरीके से इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज ये वेज पुलाव या फिर व्हाइट पुलाव की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ yourself.